तुम लोग सोच रहे होगे कि हम सारे रंग बर्बाद कर रहे हैं ना, लेकिन अभी देखो इस तरह से टेढ़े मेढ़े रंग डाल के भी कितनी सुंदर चित्रकारी की जा सकती है। ये देखो इस तरह से रंग डाल के उसके बाद हम इसको बीच से ऐसे मोड़ रहे हैं और ऐसे अच्छी तरह से दबा लिया। देखो क्या निकला इसमें, देखो तो कोई इसमें आकार दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? इसको कई तरह से घुमा के देख सकते हो भाई। ये देखो ऐसे देखने से हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पहलवान खड़ा हुआ है, काला पूरा नकाब पहन करके एक पहलवान खड़ा है, हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसे तुम कभी देखते हो जब आसमान में बादल उड़ते हैं, तरह तरह के उनके आकार बदलते रहते हैं, कभी सफेद कभी सुरमई, उनमें भी कुछ आकार दिखाई देते हैं, या कभी दीवार पर कहीं कोई धब्बा दिखाई देता है उसमें भी कुछ दिखता है ना। कभी ऐसे तुम भी सोचते होगे कि कोई चीज दिखाई दे रही, तो आज ऐसे देखो हम इस तरह के धब्बों से कैसे चित्रकारी कर सकते हैं हम तुम्हें बताते हैं। इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक तो यह है कि तुम कोई भी रंग फैलाने के बाद उसको मोड़ो और कोई उसमें आकार अपने आप निकल आए, और एक है कि जैसा तुम चाहो वैसा आकार भी निकाल सकते हो। अब जैसे तुम कोई भी रंग ऐसे बिना सोचे समझे डालते जाओ, इस तरह से कुछ भी फैला दो, और इसमें चाहे थोड़ा सा पानी भी ऐसे डाल दो, फिर आपस में रंग जब मिलेंगे तो देखो क्या बनता है, कैसा लगता है। अच्छा मोड़ने से इसमें क्या होगा कि जो भी आकार निकलेगा वो समरूप होगा दोनों तरफ, समरूप माने दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा निकलेगा, इस तरह से जो भी बनेगा वो एक जैसा दिखाई पड़ेगा, यानी जैसा इधर वैसा ही उधर। तो इस तरह के आकार तुम इस तरह से देख सकते हो, और वैसे तुम रंगों को अगर कागज पर फैलाओ और थोड़ा सा पानी डालो तो उनका अभी अपना एक अनोखा सौंदर्य है। और इनको कहीं भी किसी भी दिशा में बहने दो, मन चाहे रंग भी डाल सकते हो और कोई भी जो धब्बा बन जाए उसमें भी सुंदरता निकाल सकते हो। अब ये देखो ये तुम्हें इस तरह से करने से पत्ती या हथियार या कोई भी जैसे समुद्र की लहरें हैं, कोई भी कल्पना इसमें आती है इसको देखने के बाद। अब तुम्हें हम बताते हैं कि अगर मान लो तुम मनचाहा आकार निकालना चाहते हो जैसे तितली, तो तुम क्या करो। सबसे पहले इसको मोड़ लो बीच से, जहां भी बनाना है उसको मोड़ लो इस तरह से। आप इसमें समझ करके रंग लगाओ, जैसे तितली के बीच का हिस्सा यानी उसका सिर और पेट थोड़ा सा कालापन लिए हुए होता है, काला या भूरा हल्का सा मिला सकते हो, भूरा नहीं है तो हरा मिला सकते हो, उसमें भी वही प्रभाव आएगा। फिर कहीं कहीं ऐसे बिंदियां रख दी, ये देखो ये ऐसे पंख हो गए, और दोहरे पंख वाली है तो ऐसे बना ली, इस तरह से किया। अब इसको जब मोड़ोगे तो बिल्कुल अलग आकार निकलेगा, ये इस तरह से। अब ये देखो सीधे से इसको ऐसे दबा करके ये बीच का हिस्सा थोड़ा ऐसा खींचते हुए, ताकि जो उसकी दुम होती है वो साफ साफ पतली पतली आ जाए, और पंखों को बाहर की तरफ ऐसे फैलाते हुए ये देखो इस तरह से इसको रगड़ दिया अच्छी तरह से दबा करके। फिर जब खोलोगे तो देखोगे तितली का ही आकार निकल आया, ये देखो। अब ये ध्यान रखना जैसे यहाँ पर थोड़ा रंग सूख गया बनाते वक्त, तो तुम फिर से इसमें अब इस बार इधर रंग लगा दो,
और इसको जल्दी से दबा दो ताकि जो सूखने से थोड़ा सा एक तरफ कम लग रहा था वो इधर मिल के बराबर हो जाएगा। फिर अब ये देखो इसकी दुम थोड़ी छोटी लग रही थी, इसको खींच दिया ऐसे और फिर से दबा दिया अच्छी तरह से। अब इसके मुंह में यहाँ पर देखो एंटीना दो होते हैं ऐसे, ये ऐसे कुछ धागे जैसे लगते हैं जिनसे ये टटोलती हुई आगे बढ़ती है, ये ऐसे बना दो। ये तितली तैयार हो गई, ये इधर रख देते हैं। अब एक चीज और दिखाते हैं। अब देखो लंबी आकृति, जैसे कोई मानव आकृति बनानी है किसी बच्चे का या किसी लड़की का या किसी का भी पूरा शरीर या चेहरा भी बनाना है तो उसके लिए भी तुम सोच समझ कर काम कर सकते हो, मन चाहा उसमें रंग निकाल सकते हो। ये देखो जैसे मान लो ये तुमने सोचा कि ये हम यहाँ से इतना हिस्सा इस तरह से, ये ऊपर का शरीर हो गया और ये मान लो नीचे की जैसे फ्रॉक है इस तरह से तुम दिखाना चाहते हो, ये बाहें हो गई, बस सिर्फ इतना कर लो। उसके बाद हाथ पैर बना सकते हो, मुंह बना सकते हो इसमें अलग से। ये देखो ये फ्रॉक का जैसा आकार निकल आया और यहां पर तुम इसी पेन से इस तरह से बना सकते हो चेहरा। ऐसे बना दो, ये बन गया। और यहाँ पर बाहें बना सकते हो, यहाँ इस तरह पैर बना सकते हो। ये तुम इस तरह से भी आकृति अपने मनपसंद बना सकते हो। तो इस तरह से तुमने देखा कि धब्बों के द्वारा या इस तरह के अनगढ़ आकारों के द्वारा भी हम कितना सौंदर्य उत्पन्न कर सकते हैं या तरह तरह के धब्बों में किस तरह से हम सौंदर्य खोज सकते हैं। तो अब ऐसे ही कोशिश करो। और अभी हम जो और चीजें भी दिखाते हैं कि किस तरह से इस तरह की धब्बों के द्वारा हमने बहुत सारी यहाँ पर चीजें बनाई जो हम तुम्हें दिखाने के लिए रख रहे हैं। ये देखो अब जैसे इसमें किसी को ऐसा लगता है कि ये पेड़ है, हमें तो ये लगता है जैसे कोई आदमी गोल सिर वाला लबादा ओढ़े चला जा रहा है। तो इस तरह से जहां भी कोई धब्बे या कोई भी रंग की आकृति या किसी भी तरह की आकृति दिखाई पड़े उसमें तुम खुद सोचो कि तुम्हें कैसा लगता है और उसको हर कोण से घुमा के देख सकते हो। जैसे ये है, अब इधर से अगर इसको हम घुमाते हैं तो हमें ये लगता है जैसे कोई चमगादड़ है काला काला, ये ऐसे जा रहा है। इसी तरह से जब हमने ये देखा तो हमें ऐसा लगा कि ये दो कबूतर हैं। ये देखो ऐसा लगता है कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है। इसी तरह ये देखो इसको देख के ऐसा लगता है जैसे उल्लू है कोई, ऐसे कान और आंखें और इस तरह से पैर समेट के बैठता है। ये तो तितली है, ये तो सोच करके बनाई हुई चीजें हैं। ये देखो ये भी तितली है। और अब ये देखो जैसे हमने कहा ना कि इसमें कई कोणों से घुमा कर देखो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे देखो तो ये लगता है जैसे कोई फूल है। अच्छा इसको अगर ऐसे हम घुमा देते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर अगर हम ये आंखें बना दें इस तरह से तो ये किसी जोकर का भी मुंह हो सकता है। ये ऐसे पेन से हमने ऐसे आंखें बना दी, ये यहाँ पर ऐसे नाक बना दी गोल गोल जैसे जोकर की नाक होती है, और ये ऐसे मोटे मोटे होंठ बना दिए जैसे जोकर अपना मुंह पेंट करवा लेते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, जिस तरह से तुम्हारी कल्पना शक्ति जो भी तुम्हें बताए उस हिसाब से उसमें परिवर्तन करके नई नई चीजें बनाओ। और देखो जैसे ये एक फूल का आकार निकल के आया है और ये जब हमने बनाया तो हमें ऐसा लगा जैसे दो काले काले पक्षी खंडहर वाले जैसे पक्षी होते हैं वैसे बैठे हैं। तो हमने इनकी चोंच बना दी और खंडहर की तरह का सूखा सूखा पेड़ बना दिया। और ये देखो
जब हमने भाई ये बनाया, ये उसी समय की बात है जब इस तरह के की प्रतियोगिताएं चल रही थी, जब हमने इसको ऐसे करके बनाया तो हमें ऐसा लगा कि जैसे दो बड़ी सुंदर सी महिलाएं खड़ी हुई हैं बहुत शान के साथ, तो हमने इनके सर पर ताज बना दिया और हाथों में फूल बना दिए और यहाँ पर मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लिख दिया। इस तरह से जो भी देखो उसके हिसाब से बना लो। इसमें हमें और कोई चेहरा वगैरह कुछ भी नहीं बनाना पड़ा था। और एक चीज ये जब आई तो ये बाद में सब बनाया हमने, सिर्फ इतना निकल के आया तो हमें ऐसा लगा कि कोई मॉडल खड़ी हुई है, तो हमने ये चेहरा बना दिया और नीचे जूते बना दिए। बस देखा तुमने, इनको डब्बों के द्वारा या इस तरह के टेढ़े मेढ़े भी रंग फैलाओ, फिर उनको मोड़ दो या किसी भी तरह से उनमें पानी डाल के फैला दो, तो आपस में मिलकर कितनी सुंदर कलाकृतियाँ तैयार होती हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति तो और भी तेज होती है, तो भैया ऐसे ही सौंदर्य ढूंढो प्रकृति में।